Marvelous work. Think creative. Do creative. Become creative. Before starting our video, if you didn't subscribe our channel, then first click on subscribe option, then click on bell icon so that you can never mistake any update. My train number 18621, Patna Hatia Pataliput Express, platform number 9 पर खड़ी है और train 15554 LTT Jayanagar Bikli Antyodaya Express platform number 2 पर आ रही है और ये सब आपको पटना गया मेन्यू दिख रहे हैं साइड. आगे देखा जाए तो कमला गंगा पैसेंजर और हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 9 से खुल चुकी है. और इधर पटना का एमएनयू भी प्लेटफॉर्म नंबर 10 से खुल चुकी है गया के सफर करने. हम लोग चले हटे के सफर करने और यहाँ आपको ट्रेन दिख रही होगी एक एलटीटी जयनगर अयोध्या जो कि लोकमान तिलक से जयनगर तक जाती है और इसके अभी डीजल इंजन होगी लेकिन इटारसी से लोकमान तिलक तक इसमें इलेक्ट्रिक इंजन होती है और इटारसी से जयनगर तक इसमें डीजल इंजन होती है. उस पर आपको कमला का दिख रहा है ये पटना से जयनगर तक जाती है एक डीजल लोकोमोटिव से और उसके बगल में आपको मगध एक्सप्रेस दिख रहा है 12402 दरअसल मगध एक्सप्रेस न्यू दिल्ली से इस्लामपुर तक जाती है और फतुहा से इस्लामपुर की रूट नॉन इलेक्ट्रिफाइड है जिसके कारण इसकी इंजन जो पटना में इलेक्ट्रिक से चेंज होकर डीजल होती है और पटना से इस्लामपुर तक डीजल में जाती है जैसा कि आप देख रहे होंगे. अभी इसमें गैस की इंजन चेंज हुई है कि नहीं हुई फिर मुझे देख लें जी नहीं अभी बैक पर ही है कुछ देर में इंजन चेंज हो गया और ये ट्रेन फिर बाद में डीजल और लोकोमोटिव के साथ आगे के सफर तय करेंगे. चलिए ये सब तो बाद में होते रहेगा फिलहाल हमें फिर ट्रेन को बढ़ाना है जहाँ पर सिग्नल मिल चुकी है. एक मैसेज आया है कि हमें अपने स्पीड को 110 से 115 के से बढ़ाना नहीं है. क्यों? क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि आईएसएफ कोचेस 110 किलोमीटर की होती है. इंडिया में आईएसएफ कोचेस की मैक्सिमम स्पीड 110 किलोमीटर की होती है इसलिए हमें अपने स्पीड को 110 से 115 रखना है. और पटना जंक्शन से राजेंद्र नगर टर्मिनल्स के बीच में हमें 40 से 45 का स्पीड मेंटेन करना है. ओके यहाँ पर देख रहे हैं ये जो ग्रीन येलो दिख रहे हैं ये हमारे सिग्नल दिखाती है. उसके बगल में जो आप देख रहे हैं ये हमें सिग्नल की डिस्टेंस दिखा रहे हैं 1.2 किलोमीटर ये हमारी स्पीड लिमिट है. इसके बगल में ट्रैक चेंज है ये ब्लू लाइन प्लेटफॉर्म को शो करती है. ये हमारी करंट स्पीड है ये प्रोजेक्टेड स्पीड की हमारे पोर्टल से अभी कितने स्पीड तक जा सकती है तो ये हमारी लिमिट 130 की है. इधर आपको देख रहे हो हमारा डीजल लोकोमोटिव ये मुगल साइकिल डीजल लोकोमोटिव है WDM3 है जो कि कोचेस को आगे पीछे करने में मदद करती है पटना जंक्शन में. चलिए हम लोग कुछ देर में ट्रैक चेंज करेंगे. ट्रेन यहाँ से मुड़ने वाली है ट्रेन आ चुकी है अपने ओरिजिनल ट्रैक जिसे कहते हैं मेन लाइन पर ट्रेन आ चुकी है और यहाँ से ट्रेन सीधा चलेगी राजेंद्र नगर तक.
पटना जंक्शन के आउटर पर कुछ ट्रेन मुझे यहाँ से नजर आ रही है। सामने से कोई ट्रेन आ भी रही है। जो ट्रेन आ रही है उसका नाम है आसनसोल फ्लाइट। जो सबसे लास्ट में लगी हुई ट्रेन देख रही है, ये बैकपर के साथ जो आईसी कुछ जिसकी ट्रेन है, ये पलामू एक्सप्रेस मैंने यहाँ पर लगाई है। उसके बगल में ये पटना बांद्रा टर्मिनल हमसफर एक्सप्रेस मैंने लगाया है, ये आपको दिख रहा होगा। ये आपको पलामू एक्सप्रेस, आईसी कोचेज, उसके बाद ये आसनसोल फ्लाइट निकल पड़ी सामने से। ये पटना बांद्रा टर्मिनल हमसफर एक्सप्रेस, और उसके बगल में जो आपको ये दिख रही है, ये काशी जनशताब्दी है, जो कि पटना जंक्शन से मरौली जाती है। ये जनशताब्दी सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करने वाली जनशताब्दी है। इंडिया में सबसे कम डिस्टेंस ट्रेवल यह जनशताब्दी ट्रेन करती है। जैसा मेरे लैपी में ना 4GB रैम है और i3 प्रोसेसर है, और निविडिया का 2GB ग्राफिक होने के कारण मेरी गेम राजेंद्र नगर तक थोड़ी लैग करेगी। इसी ट्रेन राजेंद्र नगर से क्रॉस करेगी, ट्रेन सही हो जाएगी, गेम सही हो जाएगी। अभी थोड़ा सा कष्ट कीजिए, गेम लैग करेगी 5-6 मिनट तक, उसके बाद गेम ऑटोमेटिक सही काम करने लगेगी। राजेंद्रनगर पहुंच चुके हैं। ये जो आपको ट्रेन दिख रही है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, जो 1 और 2 राजेंद्रनगर टर्मिनल लाइन है, जहां पर ट्रेन आके इन हो जाती है, फिर वो ट्रेन आउटर पर जाती है, साफ होती है, फिर जहां से आते हैं वहां जाती है। ये जो ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आप देख रहे हैं टर्मिनल लाइन पर, ये ट्रेन साउथ बिहार है, जो कि राजेंद्रनगर से जुग तक का सफर तय करती है। चलिए ट्रेन को रुकने का टाइम हो चुका है। ट्रेन रुक गई है। राजेंद्र नगर पहुंच चुके हैं, शायद टाइम से 13 सेकंड लेट हुए, कोई बात नहीं। यहाँ से खुलने का सिग्नल मिल चुका है। और राजेंद्र नगर से खुल चुके हैं रेलवे स्टेशन पर, जिसका नाम है पटना साहिब, जिसे कि लोग पटना सिटी के हुए नाम से जानते हैं। और यहाँ से लेकर 5 मिनट तक वीडियो में 5 मिनट तक गेम लैग करेगी, ड्यू टू लेस सिस्टम रिक्वायरमेंट इन माय पीसी फॉर दिस गेम। द गेम विल हैंग फ्रॉम राजेंद्र नगर टर्मिनल टू गुलजार पार्क। यहाँ पर कोई स्टॉपेज नहीं है। वाले साउथ बिहार राजेंद्र नगर, बाय बाय। आने वाली स्टेशन है हमारी राजेंद्र नगर टर्मिनल, सॉरी पटना साहिब, जो कि यहाँ से 6.4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहाँ जो आपको सबसे शुरू में जो ट्रेन दिख रही है, ये आपको राजधानी एक्सप्रेस है, राजेंद्र नगर न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। उसके बगल में जो आपको ट्रेन दिख रही है,
और संपूर्ण क्रांति है। उसके बगल में जो आपको दिख रही है ये राजेंद्र नगर हावड़ा एक्सप्रेस है, उसके बगल में कैपिटल एक्सप्रेस, उसके बगल में LTT राजेंद्र नगर LTT जनता एक्सप्रेस, फिर आपको कुछ इलेक्ट्रिक और डीजल इंजन भी आपको देखने इलेक्ट्रिक इंजन देखने को मिल रहे हैं, कुछ LHB कोचेज देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए कुछ LHB कोचेज हैं यहाँ पर कुछ ICF कोचेज आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, और यहाँ पर आपको कुछ डीजल इंजन देखने के लिए मिल रहे हैं। राजधानी जो आपको लिखा हुआ दिख जाएगा, देखिए राजधानी, उसके बगल में संपूर्ण ये भी आपको लिखा दिख जाएगा। फिर राजेंद्र नगर हावड़ा सुपरफास्ट दानापुर एक्सप्रेस कैपिटल जो राजेंद्र से कटिहार कुछ में जाती है जनता, और जो आपको बहुत से कुछ देखने को मिले यहाँ पर। जैसे में ये ICF कोचेज हो गए आपको, LHB कोचेज, जैसा कि आप देख रहे हैं सामने से ट्रेन आ रही है 1321 बांका राजेंद्र नगर एक्सप्रेस। तो बांका राजेंद्र नगर एक्सप्रेस हमें मिल चुकी है और वो चली राजेंद्र नगर, और हम राजेंद्र नगर से खुल चुके हैं। तो ये राजेंद्र नगर के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जाकर रुक जाएगी, ठीक वहाँ इसका लास्ट स्टॉपेज है। मैंने पहले कुछ वीडियो को थोड़े डिस्टेंस मैंने कट कर दिए हैं, वहाँ पर गेम थोड़ी सी लैग हो रही थी, और अगर मैं स्टॉप के डालता वीडियो तो उस वीडियो की खूबसूरती कम जाती, इसलिए मैंने पीछे के कुछ मिनट की वीडियो को मैंने पॉज कट कर दिया है। उतने तो मैंने पॉज कर दी थी कि अगर गेम जिस टाइम से स्मूथली प्ले होना शुरू हो जाएगी फिर मैं गेम को सही से प्ले कर दूंगा। तभी हमारी गेम स्मूथली प्ले कर रही है, देख सकते हैं आप, मैंने अपना स्पीड लिमिट बढ़ा लो। अरे यार, अरे स्लिप मुझसे बहुत होती है, हिल स्लिप का ये ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। चलिए कोई बात नहीं, इस एरर को पहले सॉल्व कर लें, स्पीड लिमिट को बढ़ा लेते हैं। चलिए चलते हैं कोचेस के अंदर। ये हमारे कोचेस की फर्स्ट व्यू है, ये SLR1, ये हमारी स्लीपर कोचेस, सॉरी जनरल कोचेस, जनरल की पहली कोच, जनरल की दूसरी कोच, जनरल की तीसरी कोच, जनरल की चौथी कोच, और ये हमारी S1 हो गई, मतलब 5 जनरल है और स्लीपर 1। इसको आगे चलते हैं, ये हमें S2 मिली, ये तो S2 ही होगी, चाहे आगे से या पीछे से पहुँच गए, इसके पीछे वाली में भी S1 या S3 हो सकती है, लेकिन ये तो S2 कंफर्म ही होगी। सामने ट्रेन दिख रही मुझे हावड़ा पराए, चलिए इसके अगले स्टेपर पर चलते हैं। ये हमारी S1 या S3 से कोई रहते हावड़ा पराए, क्योंकि गुलजार बाबू रुकी हुई है। दरअसल मैं अक्सर देखता हूँ कि गुजरात में कोई ना कोई फ्राइड डेट को परफॉर्मर 300 रुपये लिखता हो, इसमें मैंने जब फ्राइड को 300 लगा दिया, इसमें टैग कर रहे थे, इसमें तक लिक्विड फायर पेट्रोलियम गैस वो मेरे स्पीड लिख 110 हो चुकी है, जब तो 15 तक रखना है, मैं 55 पर लाभ कर सकता हूँ। अरे मैं तो कोचिंग में गए नहीं, उसके बाद जो हमारी कोचिंग आने वाली है वो जरा देखें, ये हमारी 3rd स्टेज कोचेज है, उसके बाद ये हमारी 2nd स्टेज कोचेज है, और ये हमारी जनरल नंबर 6, जनरल नंबर 7, जनरल नंबर 8, जनरल नंबर 9, जनरल नंबर 3,
दस जिन्हें बोलियो सब निकल चुकी है, ये 11वां चेयर है, ये हमारी इस वीडियो की। आगे ट्रैक के लिए मुझे स्पीड 40 करनी पड़ेगी और अभी स्पीड घटाना पड़ेगा। और मुझे स्पीड 40 करनी ही पड़ेगी नहीं तो ट्रैक चेंज में प्रॉब्लम हो जाएगी। जल्दी 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 चलिए, हो गई मेरी स्पीड मेंटेन। और हम लोग पटना साहिब पहुंचने वाले हैं कुछ देर में। ये यहाँ से ट्रैक चेंज की ऐसा कर देख रहे हैं। 11 जनरल इसमें 3 स्लीपर 2 थर्ड एसी की 11 + 3 = 14, 14 + 2 = 16 = 18 टोटल 18 कोचेज है इस ट्रेन में। यार हमें ट्रेन रोकनी भी है। ब्रेक लगे हमारी ट्रेन पटना साहिब पहुंच चुकी है। एक मिनट मैंने भी खत्म कर दी थी। खुलने का टाइम ऑन बना दे। हम लोग पटना सिटी से अपनी नाइस में से 15 सेकंड लेट पहुंचे थे और 7 सेकंड लेट खुल रहे हैं। पटना सिटी से तो हम लोग निकल पड़े। हम लोग ने जहां तक गिरा 11 जनरल कोचेस थे, 3 स्लीपर थे और 2 एसी कोचेस थी और 2 एसआरआर हुई। तो अगर हम पूरे को सब करें तो 11 + 3 = 14 + 2 = 16 + 2 = 18 टोटल 18 कोचेज ट्रेन में है। दरअसल इस रूट को मैं ये ट्रेन पटना से चलकर हटिया तक जाती थी और इसकी जो रूट थी वो पहले चितरंजन से आगे जाने पर कट जाती थी और ये ट्रेन जो है धनबाद से के रास्ते चंद्रपुरा होते जाते थे हटिया पर। धनबाद से चंद्रपुरा के बीच के लाइन में कोयले के खदान होने के कारण बहुत से आग निकलते थे जिसके कारण प्रॉब्लम होने लगी रेलवे ट्रैक को और रेलवे ने उस रूट को बंद कर दिया। इन फ्यूचर वो रूट खुले आई डोंट नो, लेकिन अभी वो रूट बंद है जिसके कारण पाटलिपुत्र एक्सप्रेस की जो रूट थी वो चेंज कर दी गई। अभी ट्रेन पटना से आसूस हो जाती है फिर आसूस में उसकी इंजन रिवर्स होती है और ये जो है चंडी पहाड़ के रास्ते होते हुए सीधा चंद्रपुरा निकलती है और फिर वो बोकारो मोरी को होते हुए हटिया तक चल जाती है। हमें जो ये दिल्ली रूट मिला है इसमें हमें बस और बस पटना से जो चंडी पहाड़ तक के रूट को अवेलेबल किया गया है। उसके आगे भी रूट है लेकिन इस ट्रेन के अनुसार जो चंडी पहाड़ एक लास्ट स्टॉपेज होती है, उसके बाद जिस रूट में ट्रेन जाती है उधर के स्टेशन को नहीं दिया गया है। तो इसलिए मैं इसमें इस एक्टिविटी में अब मैं ट्रेन को पटना से जो चंडी पहाड़ तक लेके जाने वाला हूँ। और एक बात मैं आपको बता दूँ, ये मेरी माइक्रोसॉफ्ट ट्रेन सिमुलेटर के ओपन एंड में पहली एक्टिविटी है जो मैं बनाया जा रहा हूँ 1861 पाटलिपुत्र एक्सप्रेस की। तो अगर मेरी इस पहले एक्टिविटी में थोड़ा बहुत गलती हो गई मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आगे और कोई एक्टिविटी बनाऊंगा। इसमें जितने भी ट्रैफिक है ना उस सब की सब रियल है A to Z और इसमें A to Z ट्रैफिक किया हुआ है। कौन ट्रेन कहाँ क्या है क्या सब कुछ डाल दिया जो चंडी पहाड़ तक जितने भी ट्रैफिक इससे मिलेगी वो सब ट्रैफिक इससे मिलेगी मिलेगी। एक भी ट्रैफिक मिसिंग नहीं है, इवन एक मैंने कुछ कुछ फ्लाइट भी डाल दिए हैं क्योंकि इस ट्रेन चलाने का असली मज़ा हमारी अच्छी ही होती है। कितने ट्रैफिक मिलते हैं रास्ते में, हर एक 2 स्टेशन के बीच में एक ट्रैफिक है और अगर डिस्टेंस बड़ा है तो 2 ट्रैफिक डाल दिया गया है जिससे आप बोर ना हो।
आपको ट्रेन मिलते रहे, और हर एक स्टेशन के ऑर्डर या फिर स्टेशन बड़ा हो तो हमने कुछ कुछ तमसी डाल दिए ताकि आपको देखने के लिए अच्छा लगे। जैसे आपने पटना जंक्शन में देखा तीन तीन ट्रेन डाली थी, और वो तीन ट्रेन हमेशा आपको लगा मिलता भी है, ऐसा नहीं कोई ट्रेन लगे नहीं मिलती है, वो तीन ट्रेन हमेशा लगी रहती है, जब जब उस टाइम होते खुलती है। राजेंद्र नगर में मैंने कुछ कुछ डाले, राजेंद्र नगर प्लेटफॉर्म में एक पर डाले, तो जहाँ जहाँ मुझे दिखते हैं वहाँ मैं डालता हूँ ताकि आप बोर ना, सबसे बड़ी बात है गेम खेलते टाइम बोर ना, क्या इसमें क्या स्पीड घटाना बढ़ाना तो लोग बोर हो जाते हैं लंबा दूर के लिए। तो अगर आपको रेगुलर में ट्रैफिक मिलेगी, हर एक स्टेशन पर कुछ कुछ देखने के लिए मिलेगा, तब बोर नहीं होगा। इस सब कुछ सोचते हुए मैंने इसको लगाया है। चलिए भाषण बहुत हुआ, अब मैं इसकी कोचिंग बाहर से गिनता हूँ। इस व्यू से यहाँ से ट्रेन आई और ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, यार फिर से गिनना पड़ेगा मुझे, ऐसा 17 कोचिंग थी, फिर से गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, yes, right. 20 positions. 20 minutes, put away. So let's know if you for this now. 1, 2, 3, 0, 3, put away, press. जो कि न्यू दिल्ली से हावड़ा से न्यू दिल्ली जा रही है भाया पटना। ओ माय गॉड, ये लिमिट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। ट्रेन चल पड़ी है, सॉरी मैं कोचेज गिनने के कारण अपने लिमिट कर देता हूँ, बस मैं कोचेज अंदर से गिनता हूँ जहाँ तक मुझे कॉन्टेंट मिलते हुए थे। ये हमारी SLR 226 यहाँ से चलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, फिर 4 ही जनरल बोगी थे, फर्स्ट 4 जनरल बोगी, तो हम लोग फर्स्ट में 5 जनरल बोगी होते थे जिसके कारण मैं दिक्कत हुआ था। और देखिए 4 उधर हो गए, फिर S1, S2, S3, D1, A1, तो 3 to 5, 5 for 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 and 17। इसमें मुझे देखा 3 स्लीपर मिली थी, 1-2 एसी बोगी थी और 7, तो टोटल 10 जनरल बोगी है, 5 3 स्लीपर है, 1 थर्ड एसी है, 1 सेकंड एसी है, और आपको 2 ऐसा ले लें जो हर एक ट्रेन में रहती है। और मेरे स्पीड लिमिट बढ़ाने के कारण भी ट्रेन थोड़ी बहुत लेट हुई क्योंकि मैं स्पीड लिमिट घट गई थी। यहाँ देखिए आपको कुछ ट्रेनें दिख रही है जिसमें आसनसोल फ्लाइट और उसके बगल में कोई फ्लाइट रुकी हुई है, एक ट्रेन और है इस्लामपुर फतुहा पैसेंजर। यहाँ देखिए उधर प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर इस्लामपुर फतुहा पैसेंजर रुकी हुई है, एक स्टैटिक मालगाड़ी रुकी हुई है, इसके बगल में एक आसनसोल फ्लाइट रुकी हुई है, आसनसोल फ्लाइट 2, और अभी तो बहुत दूर स्टेशन तय करना है, बहुत गर्जेंट ट्रेन पर रुकी है यार, ये और दिक्कत वाले काम हो गए। चलो जल्दी 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 जल्दी, अरे यार ट्रेन के चक्कर में इधर उधर करने लगा। सामने से कोई ट्रेन आ रही है जिसका नाम है धनबाद पटना इंटरसिटी, जैसा जब मैं खुलता तो वो आती, कि मैं लेट आया तो वो ये निकल गई। ये देखिए धनबाद पटना इंटरसिटी, बाय बाय धनबाद पटना इंटरसिटी 1331। यहाँ देखिए आपको एक आसनसोल फ्लाइट 2 जिसे रोक कर धनबाद पटना इंटरसिटी को निकाला गया, एक और फ्लाइट है जिसके यहाँ पर स्टैटिक्स डाला गया ग्रुप बहुत रुकना क्योंकि बहुत देर है, उसके बगल में इस्लामपुर फतुहा पैसेंजर। ये जो इस्लामपुर फतुहा आप देख रहे हैं ये ट्रेन
इस्लामपुर से फतवा आती है, फिर यही ट्रेन आपको फतवा से राजगीर को जाएगी भाया दरियामा। और ये देखिए पटना गया मिनियू, जो कि चली तो थे पटना से मुझसे पहले, लेकिन फतवा में इसे रोक दिया गया और मेरे ट्रेन को निकाला गया। थैंक यू फतवा, यार इज्जत की बात है यार, मुझे निकाल देगा इसे रोक कर, फतवा को तो थैंक यू बोलना ही पड़ेगा। और सो सॉरी अपना झाझर मेन्यू, जब चले तो हमसे पहले थे लेकिन आपको रोका गया। एक फ्लाइट और रुकी हुई है, यहाँ देखिए एक लोकोमोटिव रुकी हुई है, एक फ्लाइट भी है। वाह फतुआ, बहुत फ्लाइट है यहाँ यार, तीन तीन फ्लाइट दिख गए। किसापुर फतुआ पैसेंजर, पटना झाझर मेन्यू, फतुआ से हिलसा इस्लामपुर गंगर की रोड कटती है और मैं हिलसा का हूँ, इसलिए मुझे इस्लामपुर की ट्रेन के बारे में जानकारी है। जैसे मगध एक्सप्रेस, ये एक हटिया पटना आती है जो कि गया के रूट से आती है। ये देखिए कुछ फ्राइटेड एक स्टैटिक इंजन भी लगी हुई थी, सही है, बहुत सब कुछ है फतवा में देखने के लिए। अब जब मैं खुसरूपुर पहुँचागा तो मैं वीडियो को प्ले करूँगा, फिर मैं वीडियो पॉज करता हूँ ताकि जो मेरी वीडियो बने वो लंबी, ज़्यादा लंबी ना हो, छोटी हो, ताकि यूजर को देखने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बड़ी वीडियो यूजर देखते नहीं है, बढ़ा बढ़ा के देखते हैं। उससे मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। अब यहाँ से खुसरूपुर तक में अगर बीच में कोई ट्रैफिक आए तो मैं प्ले करूँगा, खुसरूपुर में प्ले करूँगा, ताकि वीडियो की टाइमिंग भी सही रहे। तो मैं भी वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, अगर पैसेंजर से रिक्वेस्ट है वो आराम करें, जैसे खुसरूपुर पहुँच जाएगी सलाम दे दी जाएगी। आप लोग धन्य पैसेंजर खुसरूपुर में धन्य के रेडी रहें, अभी सब लोग आराम करें। मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ, बीच में टैक्सी अगर मैं प्ले कर दूंगा ये तो सीधा खुसरूपुर में प्ले करूँगा। वीडियो पॉज, अभी जो सामने से ट्रेन गुजरी जो आप देख रहे हैं वो ट्रेन जा रही है, वो ये ट्रेन ये दुरंतों की कोचेस थी जो आपने देखी थी। दरअसल मैं वीडियो को प्ले करने में थोड़ा सा लेट कर गया, ट्रेन सराका निकल गई, मुझे ध्यान नहीं दिया। ये ट्रेन जो आप देखे थे वो दरअसल न्यू दिल्ली से हावड़ा न्यू दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस थी, जो कि पहले धनबाद के रोड से जाती थी, बाद में इसे जसीडीह झाझा के रोड से कर दिया गया है। और ये ट्रेन दिल्ली जा रही है हावड़ा से, तो ये ट्रेन हमें खुसरूपुर में मेल करती है। इसका स्टॉपेज खुसरूपुर में नहीं है, जैसे मैं ट्रेन खुसरूपुर पहुंचते करती ये ट्रेन खुसरूपुर से क्रॉस करती है इन अपोजिट डायरेक्शन टू मी। तो आगे से मैं वीडियो पॉज प्ले पर ध्यान दूंगा, फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा गलती हो गया जिसके कारण आप सही से दुरंतों का लुप नहीं उठा सके ट्रेन के अंदर से, पर आगे से इस चीज़ को मैं ध्यान दूंगा। चले खुसरूपुर पहुंचते, सब कुछ उल्टा सीधा हो गया। चक्कर में क्या क्या दब गया मुझे कुछ पता ही नहीं चला, ट्रेन में मेरी लेट हो गई। मुझे टाइम भी मैनेज करना पड़ेगा आगे का स्टेशन पर। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं, मैं थोड़ा सा स्पीड लिमिट को ब्रेक कर दूंगा ताकि मेरी ट्रेन टाइम पर पहुंच सके आगे के स्टेशन पर। फिर आप खुशी पर पहुंचते, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस राइट नाउ बट आई विल कीप इन माइंड फ्रॉम नेक्स्ट टाइम। मेरी पहली एक्टिविटी की पहली वीडियो
पहुंचाते हैं इसे। यार ट्रेन बहुत ज्यादा लेट हो गई। ट्रेन 2 मिनट लेट हो गई। चलिए हमारे ट्रेन के खुशीपुर से खुलने की टाइम हो चुकी है। सिग्नल मिले खुशीपुर से, हमारी ट्रेन खुशीपुर से खुल चुकी है अपने अगले सेशन की सफर तय करने के लिए, जिसका नाम है बख्तियारपुर जंक्शन। तो जिन्हें ट्रेन पर चढ़ना था वो चढ़ गए, जिन्हें उतरना उतर गए। बहुत से तो पब्लिक होते जो ट्रेन को खुलने के बाद चढ़ते हैं, उनका इंतजार करते हैं प्लेटफॉर्म पर। अगर जब हमें ट्रेन छोड़ देगी तो मैं वीडियो पॉज कर दूंगा। अभी तो प्लेटफॉर्म छोड़ रही है, तभी बहुत से पसेंजर चलते में चढ़ भी सकते हैं। तो लोग इंतजार कर लेते हैं चढ़ने का। यार मुझे लिमिट ब्रेक करना पड़ेगा, जितने देर में वीडियो पॉज करूँगा उतने देर में लिमिट के साथ छिड़कानी करूँगा। टेंशन मत लीजिए, ताकि मैं ट्रेन को अख्तियार पूछता नहीं, लेकिन बाद में टाइम ले नहीं लूँगा। उसे 110 की लंबी दूरी की स्पीड है, तो मैं चाहूँ तो मैनेज कर सकता हूँ। 1 मिनट का टाइम है। तो हमारी ट्रेन परफॉर्म हो चुकी है, कोई बंदा चढ़ नहीं पाएगा। तो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, अगर बीच में कोई ट्रैफिक मिले 1 मिनट। चलिए थोड़ा देर सफर तय करते हैं, उसके बाद वीडियो पॉज करते हैं, साथ साथ में मिलकर सफर तय करते हैं। देखिए बाहर से देखा 4 ही जनरल, जिससे मैंने 5 जनरल कॉल कर दी थी। ये आपको स्लीपर मिले 4.5 6 7 2 1 2 3 4 5 6। देखिए सामने से चला देते हैं, बेटे को पॉज करो, मिलते हैं बख्तियारपुर में। जब तक के लिए तो फिजर आराम करें, बख्तियारपुर पर आप लोग का आराम दे दिया जाएगा। आ जाइए, आप लोग तो बख्तियारपुर सब कुछ आ चुके हैं, पहले फसल जाए आराम करें। तब तक मिलते हैं बख्तियारपुर में, जब तक के लिए बेटे पॉज करता हूँ, अगले दिन के साथ छेड़खानी करता हूँ, ताकि मैं 1 मिनट लेट पहुँच पा सकूँ बख्तियारपुर जंक्शन। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं जल्द। पहुंचे तो उससे पहले हमें 2 पॉइंट, एक पॉइंट करौंदा मैंने स्किप किया, और उसके बाद हमने एक और सफर के लिए जिसका नाम है सालिमपुर मॉल। सालिमपुर मॉल नाम की ऐसी एरिया है, हाँ सालिमपुर मॉल। चलिए इससे भी हमें पास कर गया, मिलते हैं बख्तियारपुर में। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग बख्तियारपुर जाकर पहुँचने ही वाले हैं, और यहाँ पर हमारी 2 ट्रेन इंतजार कर रही है। एक तिलैया दानापुर पैसेंजर जो कि राजगढ़ से चलकर आती है, दानापुर को जाती है, राजगढ़ रुक जाती है, और एक माल्टा टाउन आनंदगढ़ एक्सप्रेस जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ चुकी है, और हमें भी रुकना है यहाँ। दरअसल ये ट्रेन मेरे आने के बाद आती है, लेकिन थोड़े से लेट होने के कारण
आप लोगों ने देखा था कुछ रूपों में थोड़ा सा प्रॉब्लम में फंस गया था, आप लोग से कुछ छुपा हुआ है नहीं यार, यहाँ भी रुको कर दे, रुक जा रुक जा रुक जा, क्या हो रहा है यार, एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर रुकी है, एक तिलैया दानापुर पैसेंजर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 सर किसी फ्राइड ट्रेन को सिग्नल दे, चले मैं फिर से लिमिट से जाने का रहता हूँ ताकि मैं टैबलेट पहुँच सकूँ, मुकाम मैं टैबलेट पहुँच कर जाऊँगा, सॉरी पक्तिया बार, चले अभी तो मैं प्लेटफॉर्म क्रॉस किया नहीं है, जल्दी प्लेटफॉर्म क्रॉस करने वाला हूँ, तो मैं तो प्लेटफॉर्म क्रॉस कर चुका हूँ, तो मिलते हैं अगले से सर, इसका नाम है बार, अगर बीच में कोई आई ट्रैफिक तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, तब तक के लिए सभी पसंदीदा आराम करें, मिलते हैं बार में। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा सामने से कुछ प्राइड ट्रेन है जिसका नाम है टाटा प्राइड, जो प्राइड टाटा से चलता है, तो देखिए क्या प्राइड है, कलर मॉन्स्टर, तो मैं इस पे देखता हूँ मजा आएगा, करंट करंट की बॉक्स नजर आ रही है इसमें, तो करंट करंट की बॉक्स छोटी से चले चले मिलते हैं बाद में, आया ट्रैफिक में जरूर ट्रैफिक पर जगह पर वीडियो को रिव्यू कर दूंगा, बाय। जैसा कि आपको दिख रहा है लोग बार टाइमली पहुंचने वाले, या मरना है क्या जी, आप टैलेंट यहाँ ट्रेन रुके हुए मोकामा पटना में, न्यू क्योंकि मोकामा से जगह पटना को जाएगी, इस पर मुझे ब्रेक सेंस लगाना है, स्टॉप हुआ तो बहुत सही से ब्रेक लगा इसे, मानना पड़ेगा यार, यार पहुंचने से पहले हॉर्न नहीं मारा, केवल हॉर्न मार रहा है, मुकामा पटना में नहीं हूँ क्योंकि मुकामा से हम पटना को जाने वाले हैं, हम पार पहुंच चुके हैं, हम लोग को 10 5 7 6 4 3 2 1 चलते हैं हम लोग आए की तरफ, आइए लगी हॉरन, आई ट्रेन गई फुल, हवा पटना में खुल चुकी है जी, नहीं अभी नहीं खुल रही, तो खुल चुकी है, यहाँ देखिए हवा पटना भी अपने मंजिल की तरफ पहुंच चुकी है, बाहर से निकल चुकी है बख्तियारपुर जाने के लिए, इसको कोई भी स्टेशन नहीं दिया गया जहाँ पर रुके, तो सीधा बख्तियारपुर ही रुकेगी,
में तुम्हारा पांच ही धाम में रुकना है। सर्दी खांसी हो गई है, दुबाव सर्दी खांसी में दुबाव था तो भारी रहता है, इस कारण से कोई गेम सोचने के लिए पता वीडियो बनाने के चक्कर में था। मैंने एक्टिविटी बहुत पहले बना ली थी लेकिन वीडियो नहीं बना पा रहा था, कारण मैं जी फल अपलोड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मुझे जरूरत था मुझे कुछ मेरे इसलिए। और इसी नतीजा कि आज खुसरूपुर और थोड़े बहुत प्यारपुर में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। मैं अपने स्पीड में 36 का करने वाला हूँ। जब हाथेदा में मिलते हैं, अगर बीच में कोई ट्रैफिक मिले तो मैं वीडियो प्ले करूँगा, तब तक अलग आराम कीजिए। हाथेदा पहुँचने पहले मैं अलार्म लगा दूंगा। वाई कैनल प्लेटफॉर्म छोड़ रही है, प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी है। चलिए अब मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ, मिलते हैं हाथेदा जंक्शन में। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, टाटा नगर दानापुर एक्सप्रेस जो कि मिली ये नहीं आ रही टाटा नगर दानापुर जाती है, टाटा नगर आसनपुर उतरे दानापुर ब्लॉक स्टॉप पे। मैं पहले इसे तो हटा लूँ, चलिए मिलते हैं मुकामा में। तो मुझे मुकामा जाना था, मैं तो इसका हाथीदा हूँ सॉ इम्पोर्टेंट। हमारे आगे तो फिर मुकामा थी, लेकिन हाथीदा मुकामा के बाद हाथीदा थी। तो मुकामा आएंगे तो प्ले कर दूंगा, जितना जितना है ये पूरा बात जिससे हम लोग क्रॉस कर चुके हैं और इस बात में किस तरह से चलिए ठीक है। तो मिलते हैं मुकामा तक के लिए आराम कीजिए। और यहाँ आप देख रहे हैं मुकामा पहुँचने के पहले हमें दूसरी ट्रैफिक मिलती हुई जिसका नाम है फरक्का पड़ाई, जो कि फरक्का से आ रही है, शायद इसमें पोल है कोयला ही। अरे फरक्का फ्लाइट लगे में मुकामा पहुँचने में 2.5 किलोमीटर दूर है, और उससे पहले हमें दो ट्रैफिक मिल चुकी है। पहला टाटा नगर दानापुर एक्सप्रेस जो कि बाहर से आगे मिली, अब मुकामा से पीछे मिली। चलिए मुकामा में वीडियो प्ले कर दूंगा, अभी मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ। आप अगर आप कीजिए, आप लोग मतलब पैसेंजर अगर आप कीजिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग मुकामा पहुँचने वाले हैं कुछ ही देर में। आगे ट्रैफिक होता है तो मैं उनसे पहले अपनी स्पीड लिमिट घटा लूँ। और यहाँ देखिए एक डीजल इंजन लगी हुई है इस साइड में, सामने एक फ्राइट लगी हुई है, फ्राइटी है हाँ फ्राइटी लगी हुई है। राजगीर हावड़ा फास्ट पैसेंजर ये भी हमसे पहले चले थे, मुकामा हमसे पहले पहुँची, लेकिन देखते यहाँ से पहले कौन चलता है, राजगीर हावड़ा फास्ट पैसेंजर या फिर पाटलिपुत्र एक्सप्रेस। इधर बरौली मुकामा आकर फिर सर्ट लाइन में लग चुकी है, उधर एक स्टैटिक परी हुए। अरे यार मैं बार बार इसकी गलती दोहरा रहा हूँ। एक पेपर इंजन भी अब सामने देखने को मिल रहा है, नजर हटी तो दुर्घटना घटी वाली बात है। और यहाँ के खूबसूरती का नज़ारा है उसमें से हम लोग उठा नहीं पाए, वाली चलने की हो गई है टाइम। चलिए बिल्कुल बैक से देख लेते हैं, एक स्टैटिक्स, एक डीजल लोकोमोटिव,
और सॉरी राजगीर हावड़ा फास्ट पैसेंजर, पहले तो मकाम आप पहले तो आप पहुँचे थे लेकिन निकाला गया हमें आपको रोक कर। और ये हमारी दूसरी ओवरटेक, पहली ओवरटेक पटना जंक्शन में शुरू किया, फिर हम लोग ने राजगीर हावड़ा फास्ट पैसेंजर को ओवरटेक कर लिया। बात हम लोग मकाम से निकलने वाले हैं, दूसरी बार सीरियल को रखा है, मेरी सैलरी भी कटी जाएगी। लोग आगे बढ़ते हैं अब फांसी राज्य से, जो मैं पहले ही बोल रहा था बाहर से, बाहर के बाद मकामा थी फिर फांसी राज्य, ये ध्यान नहीं देती। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी ट्रेन मेन ट्रैक पर आ चुकी है और पीछे की ट्रेन अभी परफॉर्म नहीं छोड़ी है, तो कुछ बंदे होते हैं स्मार्ट जो चलते ट्रेन में चढ़ते हो उनके लिए मैं रुक जाता हूँ। लिमिट क्या है भाई, जीरो की बता रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं शायद सामने धुआं हो रही है या तो वो पेड़ है, हम लोग तो आगे निकल चुके हैं। तो मैं वीडियो को यहाँ पर पॉज कर रहा हूँ, जैसे ही मैं ट्रेन अगले दिन तक फांसीदा पहुँचेगी तो वीडियो रिज्यूम कर देगा, तब के लिए आप आराम कीजिए। एक मिनट पॉज कर देखा जाए तो सामने एक काला धुआं नजर आ रहा है, कोई ट्रेन तो आ रही है। इतने कौन ट्रेन आ रहे हैं, 12569 जयनगर आनंद विहार गरीब रथ एक्सप्रेस, अच्छा ये 12569 गरीब रथ जो कि जयनगर से चलकर आनंद विहार को आती है, ये हमें यहाँ मिल गई। ये देखिए यार ये भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, दो बार तो मैं देखा है अच्छा ट्रेन दिख रहा है, अंदर चल जाए इसके ट्रेन छोड़ इसके अंदर चल जाए ऐसा नहीं होता दिया जाए। चलो तो वीडियो पॉज कर लो, मिलते हैं फांसीदा में, तब तक गुड बाय, आराम कीजिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी ट्रेन फांसीदा जंक्शन पहुँचने वाली है, पहुँच गई है, बस रुकना बाकी है। अभी ट्रेन रिलेटेड वाले बस स्टैंड पर रुक देंगे, जंक्शन पर रुक चुकी है और उसके अगले स्टॉपेज लखीसराय है। या थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक में सर्दी की म्यूजिक जाएगी, जैसे जब हम लोग नाक से रुकते हैं उसकी म्यूजिक जाएगी, थोड़ा सा खोखने की म्यूजिक जाएगी खांसी में, तो वो दो बैकग्राउंड म्यूजिक को आप लोग इग्नोर कीजिएगा, कर सकते हैं उतना तो कर सकते हैं। चले हम लोग यहाँ से निकलते हैं, पीछे देख ले एक बार, वाह ट्रेन जो प्लेटफॉर्म पर आते थे ऐसा बहुत कम देखने को ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आती हो, नहीं तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म इतने छोटे के ट्रेन आउट ऑफ प्लेटफॉर्म रहती है, तो 18 कोचेज की थी तब ना 17 कोचेज प्लस वही इंजन, अगर कोई कोचे 22 को होती तब तो ये कंफर्म आउट ऑफ इंजन रहती, एक ही कोचेज कवर कर लेती। मैं जहाँ इलाका हिलसा में वहाँ पर मुश्किल से 7 से 8 से 10 कोचेज ही तो प्लेटफॉर्म को कवर करते हैं, बाकी कोचेज तो आगे पीछे ही रहते हैं। उस रूट को डीजल रूट थी और ड्राइवर क्या करता था तेल को बेच देता था इंजन से निकाल निकाल कर, के कारण अब उस डीजल रूट को हटा के इलेक्ट्रिसिटी किया गया था
और 24 दिसंबर को टेस्टिंग था। उस दिन मगध एक्सप्रेस शायद डीजल में इलेक्ट्रिक में जाने वाली थी, लेकिन इस्लामपुर में प्रॉब्लम होने के कारण अब वो इस महीने में भी वहाँ से इस्लामपुर रोड इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगी। टेस्टिंग अब चल रही है, बस फाइनल रिजल्ट देना बाकी है। चलिए मैं वीडियो पॉज करता हूँ, मिलते हैं अगले सेशन। यहाँ का क्या नाम है, लक्ष्य समय मिलते हैं। रुपये के लिए आराम कीजिए, टेक रेस्ट। ट्रेन सियालदाह मुजफ्फरपुर फास्ट पैसेंजर यहाँ से निकल चुकी है। 53131 जो कि सियालदाह से लेकर मुजफ्फरपुर जाते फास्ट पैसेंजर है। चलिए मिलते हैं लक्ष्य समय में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग पहुंच चुके हैं लक्ष्य समय जंक्शन और यहाँ तूफान एक्सप्रेस रुकी हुई है हमारे इंतजार में। हेलो तूफान एक्सप्रेस, कैसे हो यार? क्या बताया, बहुत जगह रोकना पड़ता है। तूफान एक्सप्रेस की स्टॉपेज बहुत है, बहुत ज़्यादा है भाई, बोला है कि क्या कहेंगे, बहुत जगह रोकना पड़ता है। चलो लगता है तूफान तो यहाँ से खुल चुकी है। ने मुझे बोला तुम लोग को पाट ले, मैं यहाँ से चला। टेंशन मत लो तूफान, मैं भी जल्दी यहाँ से खुलने वाला हूँ, बस 17 सेकंड और है। तूफान एक्सप्रेस निकल चुकी है, टाइम भी चल रहा है तूफान शायद अभी तो। हाँ ओहो, हाँ टाइम भी चल रही है, ये तो ट्रेन बहुत लेट है। चले हमें भी सिग्नल मिल गया। और चली पटना की तरफ, मैं चला आसनसोल की तरफ, चीज़ को दीजिए क्यूल की तरफ जो यहाँ से 1.5 किलोमीटर पर स्थित है। ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं, ये लक्ष्य साइड से क्यूल कनेक्टिंग ब्रिज है। ब्रिज के वन साइड आपको लक्ष्य साइड मिलेगी और ब्रिज के वन साइड आपको क्यूल मिलेगी। जिस तरफ है उधर आपको लक्ष्य है, वो क्यूल है। अब उसके फासला जो दूरी है बस ब्रिज के लिए, तो ब्रिज देख रहे हैं इसके नीचे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बस लैंड दिख रहा है। दरअसल लैंड तो है पर वाटर भी है, वो ब्रिज के नीचे नीचे जैसे वाटर यहीं पर दिए गए। ये रोड नहीं है यार, अगर मुझे याद है रोड नहीं है, यहाँ पर वाटर है जगह पर, यहाँ पर लोग कपड़े धोते वगैरह आते हैं, नहाते निकल जाते हैं, जो मिला धो लेते हैं, बाइक फिर भी घुस जाते हैं, लेकिन रोड नहीं है। और हम ब्रिज को क्रॉस करके क्यूल पहुंच जाएंगे। क्योंकि 1.2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, शान कर देता है मुझे। मैंने तो सर 10-15 दिन से MS-TS पर पहले गेम खेली थी और 5 दिन पहले मैंने पहली गेम बना भी डाली थी, गेम नहीं एक्टिविटीज बोला जाएगा भाई। 15 दिन पहले मैंने पहली एक्टिविटी खेली थी जिसका नाम था पटना शालीमार दुरंतो, जिसकी टाइमिंग भी गलत थी, क्या सुबह खोल दिया। और आप देख रहे हैं क्यूल जंक्शन में आपको कुछ ICF कोचेज दिख रहे हैं, वहाँ पर यहाँ LSP कोचेज भी दिख रहे हैं, यहाँ आपको BF7 की इंजन दिख रही है, फिर 2 BF4 इंजन दिख रही है, 2 BF4 यहाँ आपको डीजल लोकोमोटिव टैंकर के साथ नज़र आ रही है। BF4 और BF7 की कम्बिनेशन भी नज़र देखने को मिली। उधर एक फ्राइड टूटी हुई है जो कि टैंकर बॉक्सर का मिक्स है। और एक जस्टिस भी पटना मेन्यू के यहाँ रोक दिया, किसी ट्रेन को पास करेगा मेन्यू तो वह कष्ट तो सहना पड़ेगा ही, और कोई उपाय भी नहीं। और हमें ट्रेन को रोकने की टाइम हो चुकी है, चलिए ट्रेन रोक देते हैं। ट्रेन तो परफॉर्म पर कंफर्म नहीं आने वाली है।
आगे बैक 7 लगी हुई है। मैं वीडियो के फर्स्ट पार्ट को यहीं पर पॉज करता हूं। आगे के सफर क्यू से जो चंडी पहाड़ तक हम अगले पार्ट में करेंगे। फिलहाल इतना ही, थोड़ा सा चले देखते हैं यहाँ के नज़ारा। ICF कोचेज, LHP, BAF 7, BAF 4। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और हम लोग अगले पार्ट में क्यूल से जो चंडी पहाड़ तक का सफर चेंज करेंगे, जिसमें हमें 2 ओवरटेक मिलेंगी और तो और हमारी जो लोको है वो वहाँ पर चेंज होगी आसनसोल में, अब फिर से उसी डायरेक्शन में ट्रेन जाएगी और हम अपनी ट्रेन को रिवर्स मोड पर रखेंगे, हमें लोको चेंज करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।